वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और मॉनसून ने दस्तक भी दे दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में भारी बारिश के अनुमान के तहत कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर आपदा सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमाऊं क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर निकल पड़े हैं। बता दें कि आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष के आगमन की खबर पर ही जसपुर क्षेत्र का सिंचाई विभाग कुछ हरकत में आया और आपदा से निपटने के लिए क्षेत्र को बचाए जाने की कवायद शुरू कर दी है। वही ग्राम प्रधान हृदयेश सिंह चौहान का कहना है कि आपदा प्रबंधन मंत्री के आने की सूचना पर सिंचाई विभाग जागा है और लीपा पोती करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नादेही चीनी मिल को बचाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिलता रहता है हमें कि जैसे कोई आपदा आती है या कोई भी धार्मिक दुर्घटना, कोई बाढ़, सब काम हमारा होता है और इसलिए हमने जो बाढ़ चिन्हित क्षेत्र हैं तो उसमें हमने जाके देखा, ये ग्राम है राजपुर, तो राजपुर में आके देखा तो राजपुर में गांव डूब जाते हैं और ये आप देख रहे हैं पूरी नदी ऐसी आती है और पूरी कटान हो रहा है और आप बगल में नादेही है और यहाँ पर बच्चे वगैरह हैं, स्कूल करना पड़ता है, कभी कभार स्कूल बच्चे पढ़ के आते हैं उनको निकालना पड़ता है, तो हम पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं और जितने भी हमारे उपकरण हैं, आपदा के उपकरण हैं, सब तैयारी हालत में रखे हुए हैं और कहीं ऐसी घटना ना घटे, इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। लाइन पे भी मैंने अपने पास से खुद कंप्लेन की थी, उसको देखते हुए पिछले वर्ष एक वर्ष से पिछली बरसात पूरी बीतने के बाद भी साल भर से इस पर कोई काम नहीं हुआ, ये गिनती के ब्लॉक इसमें लगे हैं, इसके लिए भी बोला गया था पर कभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल पानी एक बार नदी में आने के कारण फिर दोबारा से कट्टा मट्टी भरनी शुरू कर दी है, जो इसका स्थायी रूल नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी थी कि ट्यूबवेल हम अपने पास से लगवा देंगे, एनओसी नहीं दी, वो बोले कि हम काम कराएंगे, अभी तक इस पर काम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।